गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम रात में आपको बताया था श्रीनगर आ गए थे दोबारा, यहाँ से अब निकलेंगे सोनमर्ग। तो सोनमर्ग में वहाँ स्टे करेंगे और अभी जा रहे हैं हम कावा पीने। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम। जय श्री महाकाल। महाकाल बाबा की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो ये हमारा रूम है जो श्रीनगर में लेक में नहीं लिया, लेक में फर्स्ट डे रुके थे, उसके बाद नहीं रुके हाउस बोट में। ये हमारा रूम है और पूरा फैला हुआ है, अंदर देख रहे हो कुकिंग वुकिंग सब आधी रेडी हो चुका है। मुस्की मुस्की का ये। तो अब आज का जो ट्रिप है हमारा यहाँ घूमने का लोकल में, पहले तो कावा पियेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, सोनमर्ग। सोनमर्ग में होटल लेंगे, आज नहीं घूमेंगे, लोकल मार्केट करेंगे शाम को सोनमर्ग में होटल लेके, सुबह घूमेंगे, उसके नेक्स्ट डे घूमने के बाद सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे हम लोग, क्योंकि प्रोग्राम लद्दाख का पोस्टपोन हो गया है। लद्दाख अरे काफ़ी दिन लग जाएंगे, हफ्ता भर लग जाएगा लद्दाख में, तो मज़ा आएगा नहीं। ये देख रहे हो कमरा बैग, ये आदि और मुस्की का बैग पैक हो रहा है, दोनों नहा लिए हैं, बस मुस्की को रेडी करना है। बड़ी सी चीज दिखी थी कुछ काली कलर की, कल रात में कमरे में मकड़ी आई थी, कितनी बड़ी थी आदि, करीब मेरे हाथ की चार उंगली जितनी थी। आदि का हैंड नहीं, चार नहीं, आदि का पूरा ये पूरा पाम के साथ। अच्छा, पाम के साथ मकड़ी थी, बहुत बड़ी थी। तो रात में मैं भी था, लेकिन मैं थोड़ा सा रात में रात होती थोड़ा दिखना कम हो जाता मुझे कभी कभी, डेली नहीं कभी कभी, जब सेट रहता है मामला तब। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि मकड़ी थी कहाँ। हाँ, हाँ भूल गए थे। हाँ, वहाँ पर इतनी बड़ी मकड़ी थी कि पूछेगा। अब लता तुम फटाफट रेडी हो जाओ, बाकी मैं सामान पैक कर देता हूँ। मम्मा तो कह रही। तो नितिन ने चालू कर दिया अंडे छीलना, और ये अंडे रखे हुए हमारे इसमें है, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, इसमें राइस को फ्राई करा है, ये रात में बच गए थे उसे फ्राई कर लिया था, और ये बॉयल अंडे छिले। तो अभी का हमारा ये नाश्ता हो जाएगा मॉर्निंग में, दो दो अंडे खा के चलेंगे, फिर अभी जाएंगे कहवा पीने, और बैग सारे पैक हो गए, बैग रख दिए हमने बाहर, और पूरा ये देख लो पूरा फैला हुआ है, कुकिंग करने में ये होता है। ये देखिए आप, मिलो हमारे मुस्की से, बहुत परेशान करती है यार, इसने तो खून पी लेती है। हाँ 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 हाँ, मुझे अंडे छिल लेने दिए, फिर दिव्यांशु छिल रहा था अंडे, मैंने इसका नाम कल से रख दिया आतंकवादी, अब मैं इसे आतंकवादी बुलाऊंगा। ठीक है मुस्की, मुस्की ठीक है, हैं हैं मेरे छोटे आतंकवादी, ठीक है, छोटी बच्ची हो क्या, ठीक है कह रही, हाँ छोटी बच्ची हो क्या, हाँ हमें अब खुशे कुछ ना कुछ बोलने को चाहिए है ना। हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से, पीछे देख रहे हो हमारी टिक्की, ये ऐसे खचा खच, थोड़ा बस चले ना हम छत को उठा दें, उठा के फिर प्रेस करके फिर दबा दे नीचे से। लोकल मार्केट, लोकल मार्केट लगी हुई है कश्मीर में, हाँ हो सके दिन दिन में लगे, रात में जाम लगता हो। हम लोग निकल गए हैं सोनमर्ग के लिए, कावा का जो था पीना था एक्सपेंसिव एंड सकती वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि भीड़ बहुत है, और यहाँ संडे के दिन मुझे लगता है मार्केट लगती है ओपन मार्केट, तो उसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा है, तो पार्किंग बंद थी जहाँ हमने उस दिन वो तरामी खाई थी ना दिल्ली दरबार के सामने, तो पूरा जाम लगा हुआ। आज संडे है, वैसी मार्केट बंद है, ये मार्केट चालू थी। तो हम निकल रहे हैं सोनमर्ग, सोनमर्ग चलते हैं, वहाँ का व्यू और लुफ्त और इन्जॉय और मज़े करते हैं। ताबड़ तोड़ सामान ले लिया था रात में कैस्ट्रा, तुम्हारा बचा हुआ है पुनीत, फिर सही है, नहीं तो पता चले हमारे मांगते तुम, तो ये होता नहीं, क्योंकि जरूरी है जब आप आए हो तो एंजॉय करना जरूरी है। थोड़ी स्किन मेरी वैसी हो रही खुरदरी सी, इस पर कुछ तेल लगाते हैं थोड़ी देर में, तब थोड़ा सा सही होगी, ग्लो जब भी आएगा ना मज़ा आएगा। क्यों मुस्की, मुस्की मैंने मुस्की का नाम रख दिया आतंकवादी, अभी बहुत शांत है, आतंकवादी का नाम मुस्की है, दुनिया का नाम मुस्की, हाँ आतंक का दूसरा नाम मुस्की। सोनमर्ग कितना किलोमीटर रह गया दिव्यांशु, अभी हमने चलते हैं, अभी रुका था मैं 42
43 किलोमीटर सोनमर्ग रह गया। तो अभी आदि को चौको पाए खाना था, चौको पाए लिए। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है आपको? आप काफी दिन से कह रहे थे चौको पाए चाहिए, चौको पाए चाहिए, तो यहाँ मिल नहीं रहा था। एक दुकान अच्छी मिली, सब्जी ली, अनार लिया मैंने मुश्किल के लिए, और ये भी लिया था। और ये गोल्डन चॉकलेट है, ये आपने देखा होगा। हाँ ये चॉकलेट है, पहले मैं खाता था बचपन में। और फिर अंडे लिए, गोभी लिए, मैं सोच रहा था गोभी की सब्जी बनाने के लिए। हाँ आज नहीं बनाऊंगा तो मॉर्निंग में बनाऊंगा, देखेंगे माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। या सोच ओ शिट चावल लेना भूल गया, चावल आगे से ले लेंगे, चलते हैं अभी। तो यहाँ का भी मौसम अच्छा है, ज़्यादा ठंड नहीं है। अभी सोनमर्ग में देखते हैं क्या माहौल है, कैसी सिचुएशन है, फिर उस पर डिपेंड करता है कि क्या खाना है, क्या नहीं करना है, क्या बनाना है। कहीं कुछ ऐसी जगह सोच रहा हूँ कि रुके, मैं आज खाना यहीं रास्ते में बनाऊँ, मैं ये जगह ढूँढ रहा हूँ। सोनमर्ग यहाँ से अभी 18 किलोमीटर बाकी है और मौसम थोड़ा सा अच्छा है, धूप है और ज़्यादा ठंड नहीं है। धूप तो हम जब से आए हैं धूप अच्छी निकल रही है, धूप तो ज़बरदस्त निकल रही है। पहलगाम में हमें थोड़ा ठंड महसूस हुई थी, नहीं तो नहीं। तो हम लोग भैया के इसमें रुके थे रिसोर्ट में, और ये कॉटेज बहुत ही अच्छा है। और कहने का मतलब है, बाकी ये बात मैं कल बताऊंगा भैया से मिलके। अभी अंडे बॉईल कर रहा हूँ, अभी अंडे बॉईल कर रहा हूँ, और ये एप्पल काट रहा हूँ, और ये वो है जूस, इसके साथ लूँगा। ठंड ज़्यादा है यहाँ पे और मौसम अच्छा है, ये लगा लो कि हम जब से आए हैं यहाँ हमें जैकेट पहनने का मौका मिला है, अब निकालनी पड़ी जैकेट। और मौसम सही है, बच्चे अंदर हैं और सो रहे हैं, उनके लायक बहुत ठंड है, जो हमें महसूस हो रही है तो उनके लिए बहुत ठंड है। ये एप्पल की कटिंग हो गई है, तो अंडे की सब्जी बनाऊंगा और कुछ अंडे बॉईल जैसे इसके साथ अपने थोड़ा सा लूंगा। दही भी है, दही भी टेस्ट करेंगे। और तो शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो थोड़ा सा घुमा फिरा करो, मौज लो जिंदगी है, नहीं तो मर जाओगे क्या फ़ायदा। ये भगवान ने मौका दिया है, इसके बाद तो दोबारा नहीं मिलता, क्यों भाई पता नहीं दोबारा कौन सा याद रहेगा। हाँ। लेकिन नहीं दोबारा में फिर जो है यही है, जो है मजे लो। अब हमारी तैयारी चालू है खाने की, तो अभी मैं जा रहा हूँ अंडे बनाने जा रहा हूँ। कुछ अंडे ये खाए जा रहे हैं प्याज के साथ, ये अंडे इधर रखे हुए हैं, एप्पल, शरबत, सोमरस जो बुढ़ापे को जवानी में बदल दे, मौसम ठंडा है, सब अंदर अपने कमरे में और हम बाहर बैठे हुए हैं। मुश्की को ज्यादा कपड़े पहना दिए गए, थोड़ा सा ठंड ज्यादा है। अपने को तो खाने पीने का मजाने का मजा ही अलग है। ये हमारी देखो भैया अंडा करी तैयार हो रही है, अभी मैं इसमें मसाला पका रहा हूँ, थोड़ा पानी और ऐड करूंगा। और तो शरबत चालू है हमारा, ये देखो। और यहाँ बैठे हुए हैं नितिन और लता, और ये मेरी मुत्ती, ये मेरी मुश्की है, मुश्की ऐसे करके। हाँ और ये होटल वाले भैया बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सही है। अब तक इन्होंने ही बात करी तरीके से जो करी, हाँ वरना जहाँ भी गए वो ऐसी लग रहा था कि भगवान ने कोई तैयार है। हाँ क्योंकि ऐसा सबको लग रहा है सीजन है, अरे सीजन है, लेकिन आप पुराने ग्राहक को तो देखो, पूरा व्यू देखो, आप कभी भी आओ यहाँ रुको। यात्री निवास सोनमर्ग, हमारी एक कड़ी बन के तैयार हो गई है और हमने पुनीत को भी दे दिया और मैंने भी थोड़ा सा एक बाइट टेस्ट किया है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है।
रिव्यू देंगे नितिन, क्योंकि नितिन की वजह से एक कड़ी बनाई जा रही है। अगर रिव्यू गलत निकला, गलत क्या, मैंने टेस्ट कर लिया है। खुद अच्छी लग रही है, मस्ती मस्ती मस्की बात करेगी, मस्की बात करेगी, मौज करी, मैं रिव्यू दूंगी। ओहो बल्ला जबरदस्त है ना, मुस्की को मैं ले रहा हूँ। इसलिए आए थे पुलिस वाले, ये रात को इनका ना चेकिंग की ड्यूटी होती है, जैसे अब अच्छा। पार्किंग में किसकी गाड़ी खड़ी है, हमारे होटल में रुका है या नहीं रुका, अच्छा अच्छा, या इसने कहीं पीछे से करा होगा, टेक ओवर किया होगा या गाड़ी को, या अच्छा। वहाँ पीछे नाता है ना, हाँ। रात को थोड़ा चेकिंग का ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा, तो ये कहने का मतलब भी जैसे यहाँ से अमरनाथ की, अमरनाथ पास में, पास में यहाँ से 2 किलोमीटर हेलीपैड है, तो हेलीपैड यहाँ से ज्यादा नजदीक है। अच्छा, फिर वहाँ से 7 किलोमीटर बालटाल पड़ता है, वहाँ से यात्रा चालू होती है। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे ही हमसे पूछ रहे थे, हमने यहाँ पे कश्मीर पुलिस है, ये सब नोट की। अच्छा अच्छा, तो नहीं यहाँ कोई ऐसी टेंशन नहीं है पुलिस वाले, नहीं हम तो आपके सम्मान सम्मान है, मैं आपसे सही बताऊँ ना, ऐसा दिल खुश हो गया सच में। अब ये लगा लो कि अब क्या बोलूं, मैं सिर्फ अपने व्यूअर से ये कहूंगा कि आप कभी भी आओ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मेरा नाम जैसे सचिन, सचिन इंद्रापुरम से मेरा ब्लॉग है, कि जैसे आप कभी यहाँ पे आते हैं तो भाई से मैं एक रिक्वेस्ट होगी कि 5-10% डिस्काउंट दे दे मेरे लिए। हाँ भैया आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि आपका भी नया काम है, हम भी पहली बार आए, क्योंकि मैं सोनमर्ग 7 साल पहले आया था, अच्छा अच्छा, इतना वो नहीं था, इतना थोड़ा सा लग रहा है तो अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे सुबह एक बार 20 मिनट का टाइम, अरे बिल्कुल, हाँ 20 मिनट चाहिए मुझे बस आपसे पूरी जानकारी, क्योंकि मेरा भी एक अभी जैसे हम काम चालू कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन, जैसे अब कहीं घूमना या कहीं जाना आना, ट्रैवल पैकेज, ट्रैवल, हाँ ट्रैवल वाला, तो पूरा ब्लॉग चालू करेंगे, अभी तो हम जैसे खा पी रहे, मैं तो पूरा खुल के दिखाता हूँ, मैं कहीं नहीं रुकता, बीवी है, बच्चे है, सब अभी हम इससे पहले रुके हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम हर्ष है भैया, हर्ष भैया है, ये भी जमुना पार सहादरा, अपने पास के ही है, हाँ, और हमारे पास के जमुना पार से पहले इंद्रापुरम गाजियाबाद पड़ता है, मैं जमुना पार गया हुआ हूँ, जैसे हमारे जीजा है विमलेश, वो जमुना पार के हैं, तो ये भैया भी वहीं के हैं, इन्होंने बताया मुझे, इनकी सिर्फ लैंग्वेज से इतना अच्छा लगा मैं रुक गया, बातचीत ही तरीके की थी, लेकिन आप हमसे प्यार से बात करो, इन्होंने इतना दिल रखा हमारा कि ठीक है, ये इसके 1800 3000 बोलते ना, 2500 बोलते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये ऑफ सीजन होता है ना, थोड़ा ऑफ सीजन में रेट कम ही होता है, हाँ। जैसे अब बड़े भाई, मैं श्रीनगर रुका, हाँ। और उनके पास कम से कम 6 दिन रुका था उनकी लेक में, हाँ। लेकिन इस बार मैं गया ना, उन्होंने ऐसा बिहेवियर रखा ना, लेना वो लो नहीं तो मत लो, मजा ही नहीं आया, यहाँ कोई तरीका नहीं होता, ये तो वहाँ रुकते। इस बार का टूर हमारा क्या था, हम लोग निकले घर से कब, 4 तारीख को, 4 तारीख को दिल्ली से निकले हुए हैं, और अभी तक हम जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमने क्या करना कि अब जहाँ जाएंगे गाड़ी में सामान रख के अपना चले, सही है बस, लेकिन बड़े भाई आपसे सुबह मिलूंगा, अरे भैया बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं आपके सुबह मिलूंगा, बैठ के चाय पियेंगे, आपके साथ होता है मजा आया, सही बता रहा मैं, हाँ दिल खुश कर दिया, दिल खुश करा आपने, अरे आप आइए, बाकी सबने ऐसे बिहेव करा कि बस बाढ़ में जाओ, जैसे देखो अभी, अब जैसे हम दिल्ली से यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और हमें भी लगता है कि यार हमारे बड़े भाई आए हैं, नहीं हमारा तो बिहेवियर वैसे, मैं जब आपकी आवाज से लगा कि यार आप, ये होता है ना कि दिल मिलने वाली बात है, पैसा तो पता क्या, पैसा होता ही है, पैसा कोई दिक्कत नहीं करता ही है बंदा, एक बंदा बाहर निकलता है तो पैसा थोड़ी देखता, हाँ सही बात है, लेकिन हम प्यार से तो मिलो खत्म, ये होता है, ये हॉस्पिटैलिटी होती है प्यार से, ये हाँ। ये थोड़ी कि भैया लेना है तो लो, बना यही ये मेन यही होता है ना, आपको चाहिए चाहिए नहीं कोई बात, मेरे यहाँ ताज वाले मैनेजर मैनेजर आते हैं ना सब, विवांता है जो डल लेके होते हाँ। उसका मैनेजर खुद मेरे पास होता है, बोला यार तेरे से रह के तेरे साथ बैठ के ना मजा आता है, हम रुकने आते हैं तेरे पास, जेन्युइन दिल्ली वाले तो वैसे ही दिलदार होते हैं, दिल्ली वाले तो वैसे दिलदार, आज में तो कोई दिक्कत नहीं, ओके सुबह मिलते हैं, ओके डन।